गाइज वेलकम बैक टू पढ़ाई मेड इजी एंड आज हम पार्ट 7 करने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का। हमने अब तक देखा था कि रशिया में जो है 1905 में कैसी स्थिति थी, थोड़ी जो है भयानक स्थिति हो गई, जो है जो पीजेंट हुआ करते थे, जितने भी लैंडलॉर्ड हुआ करे, जब रेंट मांगने के लिए आए ज़मीन की अपनी, तो वो लोग जो है उनको मर्डर करने लगे। मतलब उसके पहले तो इक्का दुक्का इधर उधर मार के भगाते थे, साउथ रशिया में कुछ घटनाएं हुई थी, पर धीरे धीरे 1905 में ये चीज़ें जो है पूरे रशिया में फैल गई थी। तो अब जो है मतलब रशिया की स्थिति धीरे धीरे टर्बुलेंट होने लगी थी। लेकिन आखिर में हम समझ लेते हैं कि आखिर में रशिया में जो सोशलिज्म नाम की जो चीज़ थी वो कैसे आती है और उसकी नींव कैसे पड़ती है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया में एक खास बात ये थी कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। जब सार निकोलस सेकंड का जब रूल चल रहा था, तो उस समय रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी सबको इलीगल माना जाता था कि मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीगल यहाँ पे नहीं, मतलब कोई और पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन ही नहीं कर सकती है। देर वॉज ओनली वन पार्टी, दैट वॉज सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी विच वॉज फाउंड इन 1898, और खाली एक ही पार्टी थी जो बेचारी किसी तरीके से काम कर रही थी, वो कौन सी थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि 1898 में फाउंड की गई, मतलब लोगों ने बनाया उसको। दिस पार्टी फॉलोड द आइडियाज़ ऑफ मार्क्स, और ये पार्टी किसके आइडियाज़ पे चलती थी, मार्क्स, वही कार्ल मार्क्स है ना, जर्मनी वाले। बट ड्यू टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रशिया में काम नहीं कर सकती है, तो इस तरीके से वो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती थी। मतलब उन लोगों को भी चुपके से काम करना पड़ता था। द पार्टी हैड सेट अप न्यूज़पेपर्स, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। पार्टी का काम क्या हुआ करता था, पार्टी एक्चुअली एक न्यूज़पेपर चलाती थी, वर्कर्स को मोबिलाइज यानी इकट्ठा करके फिर उनको जो है स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कराती थी, मतलब हड़ताल करवाती थी। लेकिन ये सब बहुत चुपगुप्त तरीके से होता था ताकि जो है गवर्नमेंट को पता ना चले, सार निकोलस की गवर्नमेंट को पता ना चले, पुलिस ना आ जाए, पकड़े ना जाए, ये सब बहुत चुपगुप्त तरीके से करते थे। सम सोशलिस्ट फेल्ट दैट द कस्टम ऑफ डिवाइडिंग द लैंड पीरियोडिकली मेड दी पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है रशिया में लोगों को ऐसा लगता था कि रशिया के वर्कर्स नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि रशिया के पीजेंट्स यानी किसान जो है वो सोशलिस्ट हैं। वर्कर्स में तो बहुत सारे डिफरेंस है आपस में, पर अगर हमको सच में रशिया को जो है इस तरीके की जो है जो क्या नाम है टायरनी चल रही है, जिस तरीके का जो है साम्राज्य रशिया में चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका अगर अंत करना है तो हमको किसका साथ चाहिए, वर्कर्स का नहीं बल्कि पीजेंट्स का साथ चाहिए। क्योंकि तो रियल सोशलिस्ट तो रशिया में वही लोग हैं। क्यों थे, उसका कारण है ये कि सोशलिस्ट रशियन लोग रशियन किसान इसलिए माने जाते थे क्योंकि वो लोग अपनी लैंड को क्या करते थे, पूल कर लेते थे। पूल करके क्या करते थे, अपनी लैंड को जो है आपस में बांट लेते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये बात जो है मतलब लोग मानते थे कि रशिया के जो रियल सोशलिस्ट हैं वो क्या हैं, वहाँ के किसान हैं, वहाँ के वर्कर्स नहीं। दस द सोशलिस्ट इन रशिया फेल्ट दैट इट्स नॉट द वर्कर्स बट द पीजेंट्स हु वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवोल्यूशन। तो इस तरीके से जो रशियन सोशलिस्ट थे जो कि मतलब रिवोल्यूशन लाना चाहते थे, स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस के बारे में पढ़ा था है ना, जिस तरीके से उन्होंने जर्मनी के बारे में पढ़ा था, उस तरीके से उनको लगा कि जो है हम रशिया में भी बदलाव ला सकते हैं। पर रशिया में बदलाव लाने के लिए जो रियल फोर्स होगी रिवोल्यूशन के पीछे, वो वर्कर्स की नहीं बल्कि पीजेंट्स की होगी। क्यों, क्योंकि रियल सोशलिस्ट जो है रशिया में क्या है, पीजेंट्स ही हैं। द सोसाइटीज़ द सोशलिस्ट फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, और फिर 1900 में एक और पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम था द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। एंड बिफोर दिस दे हैड स्टार्टेड देयर एक्टिविटीज़ इन द कंट्री साइड टू, और इसके साथ ही उन्होंने मतलब इसके कुछ पहले ही जो कह सकते हैं उन्होंने जो है मतलब अपनी एक्टिविटीज़ सिटीज़ में ही ना करके गांव की तरफ भी जो है शुरू कर दी थी, गांव के लोगों को भी मिलाना शुरू कर दिया था। कारण क्या था, गांव के ही लोग तो हैं जो क्या नाम है इसको जीतने में मदद करने वाले हैं या फिर रिवोल्यूशन लाने में मदद करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि गाँव के लोग क्या हैं, किसान हैं। और इस तरीके से अपने जो है कंट्री साइड में इसने जो है अपनी एक्टिविटीज़ को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। द पार्टी डिमांडेड दैट दी लैंड ऑफ नोबल शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। अच्छा, उनकी मतलब डिमांड की शुरुआत कहाँ से होती है, उनको भी पता था कि जो है गांव के लोग क्या चाहते हैं, जो कंट्री साइड के लोग थे वो चाहते थे कि जितनी भी नोबल्स की ज़मीन है वो क्या होनी चाहिए, पीजेंट्स में बांट देनी चाहिए, पीजेंट्स को दे देनी चाहिए। और
इसी तरीके से मतलब जो है हो सकता मतलब मानते थे कि ये जो है एक तरीके से क्या होगी रियल सोशलिस्ट सोसाइटी की जो है शुरुआत होगी। लेकिन जो बट द सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद दिस आइडिया। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स हुआ करते थे मतलब जो रियल सोशलिस्ट नहीं हुआ करते थे। अच्छा सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स की भावना में हम लोग ऑलरेडी जो है अंतर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि सोशलिस्ट कौन से लोग हुआ करते थे, वो लोग जो कि क्या नाम है सोसाइटी को इक्वल बनाने में बिलीव करते थे, मतलब हर किसी को जो है बराबर चीज़ें मिले। जैसे हमने जो है माना था वो क्या नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो हमने पढ़ा था कि जिसमें लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के अपना जो है बिजनेस करें, व्यापार करें, उसका जो पूरा फ़ायदा हो आपस में बांट लें। तो ये एक्चुअली सोशलिस्ट सोसाइटी की भावना थी। पर डेमोक्रेटिक्स जो लोग थे वो मानते थे कि नहीं, सबको जो है ऐसी बात नहीं है, बिना हम जो है कैपिटलिस्ट के नहीं आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरीके से भाई किसी से कोई हक छीन लेना वो अच्छी बात नहीं होगी। तो डेमोक्रेट्स मानते थे कि नहीं, ये वाला आइडिया थोड़ा गड़बड़ है कि नोबल्स की ज़मीन लेके किसानों में बांट दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं होगी। ऐसा सोशल डेमोक्रेट्स लोग मानते थे एंड आर्ग्यूड दैट ऑल द पीजेंट्स डू नॉट हैव द सेम स्टेटस एज सम आर पुअर एंड वर्क फॉर अदर्स वाइल सम वर इन रिच लैंडलॉर्ड्स कैपिटलिस्ट हु हैड एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर देम। अच्छा उनका आर्गुमेंट भी सही था। उनका कहने का मतलब था रशिया की जो सोसाइटी थी काफ़ी थोड़ी अलग थी। रशिया के किसान भी क्या थे, दो तरीके के हुआ करते थे। एक ऐसे किसान जो कि लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ढेर सारी ज़मीन ढेर सारा पैसा हुआ करता था, उनके पास लोग काम किया करते थे, यानी कि वो कैपिटलिस्ट हुआ करते थे, है ना, पैसे वाले हुआ करते थे। कैपिटलिस्ट यानी जो पूंजीपति पैसे वाला इंसान, ठीक है। वो मानते थे कि भाई रशिया में सारे किसान तो एक जैसे नहीं है, भाई कुछ तो गरीब हैं लेकिन कुछ क्या है अमीर भी हैं, पैसे वाले भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम नोबल्स की ज़मीन लेके सबको बांटते हैं तो ये गलत बात होगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। ये सोशल डेमोक्रेट्स लोग जो है अपनी बात आगे रखते थे। लेकिन अब एक और बात है कि जब सोशलिस्ट लोगों को रेवोल्यूशन लाना था, उनको लड़ना था, तो लोग ऐसे किसानों को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, भाई किसान तो भी थे, तो वो लोग इसीलिए सबकी बात करते थे। मतलब चूंकि हमको लड़ना है तो सबको एक साथ लेके लड़ना होगा, ऐसा सोशलिस्ट लोग मानते थे। पर डेमोक्रेट्स मानते थे नहीं, ये वाली बात गलत है कि जो है भाई सबको बांट दिया जाए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जो ज़्यादा पैसे वाले भी हैं तो उनको क्यों देंगे आप। दिस लेनिन फेल्ट दैट with such a differentiation within them, they could not be all part of a socialist movement. अच्छा जो लेनिन थे वो क्या थे, सोशल डेमोक्रेट थे, एक तरीके से क्या थे, सोशल डेमोक्रेट। वो मानते थे कि इस तरीके से जो है इतना डिफरेंस के साथ, मतलब जो है कुछ किसान बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत पैसे वाले हैं, कुछ बेचारे बहुत गरीब हैं, दूसरों के घर काम करते हैं, उन सब को इस सोशल मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। भाई सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा उसी को होना चाहिए जिसको सख्त ज़रूरत है ना, जो बेचारा गरीब है, जो दबा कुचला हुआ है, सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा उसी को होने की ज़रूरत है, और ये सबको उसका हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो है ये लेनिन भाई साहब अपना आर्गूमेंट रखते थे। दस दी पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर दी स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से जो है पार्टी के अंदर ही जो दो तरीके की आइडियाज़ हुआ करते थे कि किस तरीके से हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, किस तरीके से हमारी पार्टी फंक्शन करनी चाहिए, किस तरीके से हमारी पार्टी में जो है मतलब हमारा प्लान होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, कैसे स्ट्राइक करेंगे, किसको मिलाएंगे, किसको साथ में लेके आएंगे। इन सब आइडियाज़ को लेकर पार्टी अभी क्या थी, थोड़ी सी डिवाइडेड थी। आगे देखते हैं, व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप को लीड करता था, थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक द सारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अच्छा ये बात मतलब जो जितने भी सोशल डेमोक्रेट्स हुआ करते थे, मतलब उन लोगों ने अपनी बात को जो है वो वाली बात सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की जो बात थी कि हम लोग सबको सारे किसानों को मिला के रिवोल्यूशन करेंगे और डिमांड रखेंगे कि अपनी जो है नोबल्स की ज़मीन हम सबको सबको बांट दी जाए, सारे किसानों में बांट दी जाए, उस वाली बात को लेके व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक ग्रुप को चलाते थे, जो उसको उसके लीडर हुआ करते थे, तो कहते थे नहीं, इस तरीके की जो है जैसे मतलब सार निकोलस के राज में जो रशिया की सोसाइटी है, जो जितनी रिप्रेसिव सोसाइटी, जितना अत्याचार हो रहा है सोसाइटी में, इस तरीके की सोसाइटी से लड़ने के लिए हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे मेंबर्स सही हों, भागने वाले लोग ना हों। द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट मेंबर्स। मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी इस मामले में बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए कि हमारी पार्टी में कौन मेंबर होगा और कितने मेंबर होंगे, क्योंकि बीच में भागने वाले लोग और जो है इधर उधर करने वाले लोग, जो लड़कने वाले लोग अगर आ गए तो पार्टी हमारी ठीक से चल नहीं पाएगी। वाइल अदर्स मेंशेविक्स थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल इन जर्मनी। अच्छा जो मेंशेविक्स हुआ करते थे, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी उनकी क्या नाम है
अपने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाली बात की थी, तो वो लोग मानते थे कि नहीं, जो है पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, मतलब पार्टी हर किसी के लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो गरीब किसान हो चाहे अमीर किसान हो, सबको जो है बराबर मौका मिलना चाहिए, जैसे कि जर्मनी में हुआ था। मतलब वो लोग अपनी आइडियाज़ को जो है इस तरीके से रखते थे। आइए एक अकाउंट देखते हैं, मतलब जो है किस तरीके से रशिया में उस समय की स्थिति थी उसके बारे में जो है किसी ने लिखा है। अलेक्जेंडर शाइलापनिको, अ सोशलिस्ट वर्कर ऑफ द टाइम, गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज। यहाँ पे जो है अलेक्जेंडर शाइलापनिको नाम के एक सोशलिस्ट जो है वर्कर थे, वो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस तरीके से मीटिंग्स हुआ करती थी, मतलब जो है मीटिंग्स में कैसे जो है लोग बुलाए जाते थे। प्रोपेगेंडा वॉज डन इन दी प्लांट्स, मतलब कुछ तो जो है वहाँ पे बवाल कर दिया जाता था प्लांट में, एंड शॉप्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, मतलब कोई तो कुछ बवाल कर देता था, फिर उसके बाद क्या करता था, देर वर ऑल्सो डिस्कशन सर्कल्स, फिर जो है लोग क्या करते थे आपस में मिलकर कुछ डिस्कस किया करते थे, लीगल मीटिंग हुआ करती थी, टू प्लेस ऑन मैटर्स ऑन कंसर्निंग ऑफिशियल इशू, जैसे कोई ऑफिशियल इशू हुआ तो उस पर जो है कुछ अपना क्या करते थे, लीगल मीटिंग भी करते थे। बट दिस एक्टिविटी वॉज स्किलफुली इंटीग्रेटेड, लेकिन ये सारी एक्टिविटी बहुत ही स्किल से किया जाता था, इनटू द जनरल स्ट्रगल फॉर द लिबरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, मतलब इसको जो है बहुत ही तरीके से करते थे कि क्या नाम है, ऐसा लगे किसी को कानो कान भनक भी ना चले और हम जो हम लोग अपना क्या करें, प्लान भी कर ले, अपना जो है आइडिया भी रख ले, अपनी डिस्कशन भी कर ले, ठीक है। इलीगल मीटिंग्स वर अरेंज्ड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इलीगल मीटिंग भी किया करते थे वो लोग, और उसमें क्या करते थे, मतलब ऐसे ही किसी समय जो है मौका पाके इलीगल मीटिंग कर दिया करते थे, और वो भी कब, ड्यूरिंग लंच या फिर इवनिंग ब्रेक के टाइम पे। इसलिए करते थे क्योंकि अगर बीच में किए तो जो है बेचारे नौकरी से निकाले जाएंगे, तो ये सब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, इन फ्रंट ऑफ एग्जिट, या फिर जो है जब लोग अपना फैक्ट्री से बाहर जाने वाले हुआ करते थे तब इन द यार्ड या फिर यार्ड में, और इन एस्टेब्लिशमेंट्स विद सेवरल फ्लोर्स, या फिर जो है किसी बिल्डिंग में जिसमें ढेर सारे फ्लोर हो तो उसमें जो खाली फ्लोर हुआ करते थे उसमें चुपके से जाके सब लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे। ऑन द स्टेयर सीढ़ियों पे द मोस्ट अलर्ट वर्कर्स वुड फॉर्म अ प्लग इन द डोरवे, और जो बहुत अलर्ट वर्कर्स हुआ करते थे वो दरवाजे पे खड़ा हो जाया करते थे, देखते रहते थे कि कोई आ तो नहीं रहा, किसी को कानो कान भनक तो हो नहीं रहे कि हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। एंड द होल मास पाइल्ड अप इन द एग्जिट, और पूरी की पूरी जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती थी एग्जिट में। एन एजिटेटर वुड गेट अप, उनमें से एक आदमी खड़ा हो जाएगा जो लोगों को भड़काएगा, मतलब लोगों को भाषण देगा, लोगों को स्पीच करेगा कि हमें ये करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें इनसे ये जो है लेना है, है ना, मतलब इस तरीके से एक आदमी जो उसमें से खड़ा होता था। राइट देयर ऑन द स्पॉट मैनेजमेंट वुड कॉन्टैक्ट द पुलिस ऑन द टेलीफोन, और तभी जो है क्या होता था, मैनेजमेंट पुलिस वुलिस को बुलाने के बारे में सोचती थी, बट द स्पीचेस वुड हैव ऑलरेडी बीन मेड, लेकिन तब तक तो स्पीच पूरी ख़त्म हो जाती थी कि हम क्या करने वाले हैं, पूरी जो है पूरा प्लान जो है बता दिया जाता था। डिसीजन टेकन, डिसीजन बाय द टाइम दे राइट, जब तक वो सब आते थे तब तक जो है सब कुछ ख़त्म, सब लोग अपनी अपनी जगह पे, तो पुलिस किसको पकड़ेगी, और कोई बताता भी नहीं था कि आखिर में था कौन वहाँ पे, ये भी कोई नहीं बताता क्योंकि तो सारे के सारे हुआ करते थे। अलेक्जेंडर शाइलापनिको ऑन द ईव ऑफ 1917 रिमिनिसेंसेस फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड, और ये जो है मतलब ये अकाउंट कौन दे रहा है, अलेक्जेंडर शाइलापनिको, जो कि 1917 का एक अकाउंट दे रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो है लोग क्या करते थे, ऑर्गेनाइज किया करते थे स्ट्राइक्स को। सो थैंक यू गाइस, आगे हम लोग पार्ट 8 करने वाले हैं और बहुत जल्द ही पार्ट 8 बनाएंगे। बेसिकली मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द जो है इसकी वीडियोज़ डालूँ, पर इस बीच बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं थोड़ा नहीं बना पा रहा था, पर मैं कोशिश करूँगा इसको और आगे बहुत जल्दी इसको कम्प्लीट कर दूँ और अगला चैप्टर भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दूँ। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, पढ़ाएंगे डीसी। थैंक यू गाइज़।